स्वामी टेऊराम महाराज का 132वां जन्मोत्सव का हुआ समापन समारोह में हुआ भजन कीर्तन। सिंधी समाज के संत महात्मा हुए उपस्थित, बड़ी संख्या में समाज के लोग भी मौजूद। आज स्वामी टेऊराम महाराज का 132वां जन्मोत्सव का समापन हुआ। 5 दिवसीय कार्यक्रम में हर दिन कई तरह के कार्यक्रम रखे गए। आज के समापन समारोह में भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग उपस्थित हुए। साथ ही आज कार्यक्रम में राजस्थान सिंधी अकेडमी के अध्यक्ष हरीश राजानी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। हरीश राजानी ने बताया कि राज्य सरकार से अकेडमी को पर्याप्त बजट प्रदान किया गया है। सिंधी समाज के साहित्यकारों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। उनके द्वारा लिखे गए साहित्य का प्रकाशन अकेडमी द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। नाटक, मूवी और संगीत के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को सिंधी भाषा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। और अजमेर में प्रतिभावान बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान की गई। वर्तमान में जो हमारी नई पीढ़ी है वो हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं के प्रति अधिक रुझान रखती है। राजस्थान सिंधी अकादमी का पूरा प्रयास है हमारी इस नई पीढ़ी को अपनी भाषा के प्रति, अपनी भाषा की लैंग्वेज के प्रति, संस्कृति के प्रति आकर्षित कर उन्हें सम्मिलित करें। खास करके मेट्रोज में ये चीज़ ज़्यादा है। छोटा शहर जो है हमारा, वहाँ पर हमारी भाषा में अभी तक किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। उसके बाद में अजमेर जो हमारा सिंधियों का गढ़ कहा जाता है राजस्थान का, इसमें हमारी भाषा पूरी तरह प्रचलित है, इसमें कहीं शक नहीं है। लेकिन जो बड़े शहर हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो अकादमी इसको लेके, अकादमी के कई कार्य कर रही है। जैसे अकादमी सिंधी भाषा में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप का प्रोग्राम भी दे रही है। अकादमी सिंधी नाटक भी चला रही है। अकादमी सिंधी मूवीज भी चला रही है। अकादमी सिंधी सिंगिंग प्रोग्राम भी कर रही है। अकादमी कई प्रोग्राम कर रही है जिससे हमारे यूथ को हमारी भाषा के प्रति रुझान हो और उसके प्रति आकर्षण बढ़े। एक सीमित समय हुआ है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसमें और अधिक ऐसे प्रोग्राम दें जिसमें युवा आकर्षित हो और युवा हमारे समाज की इस भाषा को भूले नहीं और इसके साथ जुड़ा रहे। आप मानते हैं सरकार से पूरा बजट है और सारी चीज़ें इन सारी एक्टिविटीज़ को बोलने के लिए? 100% मेरे को जब मैं अकादमी ज्वाइन करी थी उसके बाद हमारा बजट डबल हो चुका है। उसके बाद में हम लोगों ने राजस्थान सरकार से जब अपने प्रोग्राम बताया तो सरकार ने खुले तौर से कहा है कि आप प्रोग्राम लेके आओ, बजट की चिंता ना करो। इस बार राजस्थान सरकार की, हमारे पास माननीय वसुंधरा जी की पूर्व मेहरबानी है कि भाई हमारे को ओपन कर रखा है कि आप प्रोजेक्ट लाओ और प्रोजेक्ट करो और जनहित तक किस तरह से समाज तक इसका फायदा हो सकता है उसके लिए करो। कितने प्रोजेक्ट लिए हैं? अभी मैंने 4 प्रोजेक्ट लिए हैं। जैसे सिंधी सिंगिंग का प्रोग्राम हमने पहली बार चलाया है, इसका बजट हमने लिया है। एक बजट हमने लिया है अभी जो सिंधी बच्चे हैं जो सिंधी भाषा नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे पढ़ने में अच्छे हैं, उनका एक 50 लाख का बजट हमने CM मैडम को दिया, तुरंत हमारे पास अप्रूव होकर आ गया। उसके अलावा राजस्थान में सिंधी मूवीज़ के माध्यम से सिंधी समाज की भाषा को प्रचलित करने के लिए हमने कहा, तुरंत हमारे पास बजट आ गया। हमारे पास अब तक जो हमने प्रोग्राम दिए हैं वो सारे 8 महीने ही हुए हैं। 8 महीने में 3 महीने मुझे संभालने में लगे, बाकी 5 महीनों में हमने 37 प्रोग्राम किए हैं सारे राजस्थान में। और अब तक का जो कार्यकाल रहा है, शायद मैं मेरे शब्दों में नहीं कह सकता लेकिन जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं उनकी नज़र में सबसे अच्छा प्रोग्राम और अच्छा कार्यकाल है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इससे भी अधिक प्रोग्राम और कार्य किए जा सकते हैं समाज में।